हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मेरी मॉर्निंग गुड हो गई है। कहाँ पे? चकडाड वैली में, जहाँ की मैंने पहले भी मतलब एक वीडियो शूट करा है। मैं पहले भी आया था यहाँ पे और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप पहले उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिन्होंने मतलब वो वीडियो नहीं देखा है। और मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि मैंने पहले जो वीडियो बनाया था तो मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए थे, पर्सनल मैसेजेस और इंस्टाग्राम पे भी। तो मतलब बोला था कि मतलब दादाजी के पास दोबारा से जाना और कुछ वीडियो और उनकी मतलब कुछ और बातें लेके आना कि वो क्या उनका बोलते हैं। और तो ले चलते हैं आपको और उनका थोड़ा सा फिर से उनकी बोली हुई बातें आपको बताते हैं। हाँ जी, राम राम दादा जी। ठीक है दिया है बच्चे पर पिछड़े हैं नहीं मैं। और ठीक ठाक है दिया है महाराज दी। हाँ जी, लगे कड़ी बरीत करना। हाँ जी, हाँ जी। राम भगवान की कृपा दे नाल तां ये फोटो क्या कर दे फिर तुसी थोंदे फोटो आ लोग पसंद कर दे पे थोनी गल्लां जईयां ना थोए जेड़ियां गल्लां कर दे जेड़ा मतलब जो थे बोलना ये लोग पसंद कर दे हां चीजा ता एक बार तेने बोलिया पे और एक बारी जाए ने आया तेना बल तेने बोलिया हां मुझे पर तो क्या मनदे पे पैसा जरूरी है जिंदगी च? यह गल्ला इन्ना क्या जवाब आ? देखो बच्चे बात एक है, जरूरी तो है सच, जरूरी सच है। जिसके दिल में सच है उसके पास सोना भी है, चांदी भी है और भगवान की कृपा है। लेकिन जो पाप है वो कंकाल है, उससे बुरा और कोई चीज नहीं है। तो पैसा भगवान देते हैं, जब हम चले जाएंगे हमारे साथ एक पैसा भी नहीं जाएगा। खुले ताले दरवाजे खुले होंगे, कोई ताला हमारा नहीं होगा। जाएगा आत्मा पितर परमात्मा, पितर जी परमात्मा के पास पेश कर देंगे। कमाई के अनुसार फिर आगे हमारे लिए बन जाएगी जगह। खरी की है तो खरा, बुरी की है तो बुरा, भुगतो भाई। तो ये है, पर पैसा देता भगवान है। आपका जब जन्म हुआ हाँ जी तो जम के पढ़े पढ़ना लिखना सीखा, आज सीखा तो कल तुम्हारे काम आएगा। हाँ जी। इसी तरीके से जो हमारी पिछले जन्म की कमाई है और खरियाई है तो खरी भुगतेगी। हाँ जी, हाँ जी। मात लोक में तो खरा भुगतेगे, अगर माड़ी है तो जम लोग के नुमाइंदे बनेंगे, संडे बन गए और कोई ऐसे जानवर बन गए तो फिर माड़ा ही भुगतना पैना है। तो वो जो कहते हैं कि अच्छा भी करते हैं बुरा भी, वो मात लोग के नुमाइंदे हैं। क्योंकि स्याही बढ़ गई तो मात लोक में आएगी, बरियाई बढ़ गई तो पताल लोक में जाएगी। अगर स्याही स्याही बढ़ती चली तो देवलोक के देवते हो गए। ऐसा जैसा कमाइया के टंग है अपने अपने कर्म दी गल ही मतलब सारी है ना, पिछले कर्म दी। देखो भाग्या करके लेके आए। हाँ जी। जो कमाया ना। हाँ जी, हाँ जी। वो मारे भाग्या में आ गया। हाँ जी। ऐसा कमाया इसके तुम्हारा भाग बन गया। इस भाग को लेके आता है इंसान, कर्म लेके जाता है। जो कर्म करेगा वैसा भरेगा,
ऐसा साहब है उतो भाई ऐसा संसार है लेकिन कोई किसी संगी नहीं है तिना अजकल भाई मतलब मुंडू अन्न न्याणे अन्न सारे जो भी होंगे तिना जो मतलब दस्या है ना तुम्हें पहले भी पूछा हाँ भाई क्या बोलते तेरी यही जान नहीं है अजकल दे शरीर च जेड़ी पहले होंगी ही भाई जान तो खुराकां पर होती है। हाँ जी हाँ जी अजकल खुराक कोई नहीं है सब खुराकें खत्म बाजार में जाओ असली दूध मंगो एक किलो दूध सारे बाजार च नहीं मिलेगा नकली पंजाब ते आनी है थैलियां मकैनिक दूध वो मिलेगा असली सब्जी कोई नहीं मिलेगी नकली तो देश अवकाश के राह पर नहीं है पताल के राह पर जा रहा हुआ खात्मे के राह पर चला हुआ क्योंकि जल में भी मिलावट हो चुकी है तो हर खाने में मिलावट हो चुकी है हर आदमी पैसे के लिए डूब रहा असलियत के लिए नहीं जीने के लिए नहीं मरने के लिए कागजों के नोटों को देख के बहुत बड़ा कहलाता है लेकिन ये सब झूठ है पर चलो अपनी अपनी कमाई है जैसा करेगा वैसा भरेगा नहीं इतों की 102 साल उम्र ही ना इस उम्र का हूँ नेड़े तेड़े ही कोई नहीं है हाँ तो पिंड तो छड़ा औरती भी कोई हाल 102 साल उम्र होनी तो इतनी उम्र वाला कोई भी नहीं रहा हूँ है भी पे अपी जा गलांदे बोलदे सब कुछ पे इतना कोई नहीं वैसे शुरू भी तो खैर मते है हाँ जी हाँ जी पर अभी वो चले आए नौकरियां करके आए भी चले आए हाँ जी हाँ जी तो सब खत्म हो चुके आए लदेण पिंड में जाइए या दूजे पिंड जी जाइए साढ़ा आने कोई नहीं मिलेगा तो इन्ना है जे थोंदे अपने मित्र सज्जन होंगे तो ना याद भी आती ना याद ताती है ना हाँ जी पर खत्म हो चुके है हाँ जी है नहीं तो थो अपना कलापन जे मतलब तीस टाइम कि दोबारा याद कर दे भाई कलापन कि दूर कर दे थोए अपना कलापन कि दूर कर दे थोए मतलब जेडी कोई याद आई आओ पुराने टाइम में तो कि दूर कर दे थोए देखो ये संसार जो है ना हाँ जी ये झूठा है हाँ जी हाँ जी लेकिन फर्ज करो आप आए मारे पास हाँ जी तो कौन आए भगवान का बुत भगवान का फसल कह दो हाँ जी वो आए मारे पास तो आए किस वास्ते लेकिन हमारा काम है आओ जी बैठो जी बाकमुचारी कीती तो ये यादगार होती है लेना या देना जो पास संसार का हो उदे अनुसार किसी से बद भी नहीं लेना तो घट भी नहीं लेना चाहिए इंसान नीति का कर्म है तो पर अजकल तो डूब चुके हैं अजकल नहीं अजकल तो बाजार में जाओ अगर पानी पीना तो भी कोई चीज खाने की नहीं है सब नकली शक्ल वो ही तुआर दिया ए मिल्क केक ए मेसू ए रसगुल्ले ए फलाना ढमकाना ए लवाइया वाल लेकिन असली तो कख भी नहीं
कुछ भी नहीं, तो ऐसा ही बाकी जगह 100 पशु दूध वाला देखो, बताए गए 10 किलो, ए 5 किलो, ए 20 किलो, लेकिन सच्चाई में लाए तो बड़े मुश्किल से किलो 2 किलो बाकी छुट्टी है। हूँ अजकल दूध दध हूँ थैलियाँ का ही होगा ना, थैलियाँ का दुद्ध होगा, इन्ना कहीं दही भी तीन ही ले लिया रेडीमेड ही, छा भी ज़्यादा, कहीं दुद्ध की गल करनी मेन पे ना, तो दुद्ध हूँ ता जे मतलब हूँ लोग पशु नहीं रखा दे करा दे, क्योंकि पशु ता नहीं रखा है, क्या बोलते भाई थोड़ा हूँ भाई अगे फसल नहीं होगी, फसल तय नहीं होगी, भाई बंदर उजाड़ी दे दे है ना, तो इसका क्या मतलब थोए क्या बोल सकते कि भाई हूँ दुध थैलियाँ का दुध पीना पौंदा कई बार बंदे तो क्या हूँ नुकसान तो है पर क्या करना पे दसा भला। देखो बच्चे झूठी फरमेटी है ना, हाँ जी, लेकिन जो पशु है हाँ जी ये हमारे जिस्म का कोई हिस्सा है, हाँ जी, इससे बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता, क्यों ये जितनी हरियाली है हाँ जी जितनी हरियाली है इसको ले गए पशुओं के आगे रख देंगे, पशु खाएगा और पेट भर जाएगा, तो जब पेट भर जाएगा तो हमको थोड़ा बहुत दूध पिलाएगा, इसका अर्क हमको खुलाएगा, तो जो गोबर करेगा उसको जमीन में डालेंगे, तो क्या है मलें खेती दलें राजा, जिसके पल्ले दल है और राजा है, जिस जमीन में मल पड़ता उगता ही है उसमें कुछ तो कोई, तो उससे भी मारा पेट भर जाता है, तो पशु रखे गए नहीं, ये सब ब्रान हो गया, पशु नहीं है ना, कोई कीमत घास की नहीं है, जब इंसान नहीं है तो अनाज की कोई कीमत नहीं है, भुगती कोई नहीं है, दुनिया खत्म है। पर फिर भी थैलियां दूध पिया है, इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी हां जो मतलब दो कौन झूठी फरमेटी है ना, हां झूठी फरमेटी है, हां जी दूध नहीं है, दूध ये फरमेटी का अगर इम्तिहान लेना हो हां जी तो घर में हम सोयाबीन बोते, सोयाबीन अपने खेत में बो, उसको पकाओ, पक्की जगह ही काट लो फसल नू, उसको पीसो, रोटी भी बन सकती है, उसको सेड़ो, कोटो, तो दूध उस दूध के पर मलाई भी आएगी, थैलियों के दूध पर मलाई नहीं है, ये दूध में मलाई नहीं है उसमें मक्खन नहीं है, उसमें मक्खन नहीं है वो फैट खत्म है, झूठ है। दुनिया ऐसे फूल नु खाम खा झूठी, तो झूठा जो कहा जाता है इसको, वह भी शीस पर नमाउं दे, जमीन आसमान चंद सूरज तारे सभी शीस नमाउं दे, सच दे अगे सब चुक जंदे, सच कैसी चीज है, तो इस वास्ते सच तप है, अच्छे हैं तो भगवान के जीव है, शाही कर रहे तो अपने लिए कर रहे, अगर बुराई कर रहे तो अपने लिए कर रहे, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं आपकी निंदा करें, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं हम आपकी सुरता करें चर्चा करें, ठीक है कि नहीं, तो ये गलत आदमियों का काम है, किसी की चुगली करो, किसी की चोरी करो, किसी की बदमाशी करो, सब गलत है।
गलत राह पर चलते हैं तो गलत होते हैं, पर चलो होना है, गलत करेंगे तो ही पुलिस का काम चलेगा, अगर चोरी करेंगे तभी पुलिस पकड़ेगी, सच करेंगे तो कुछ भी नहीं, तो जरूरत ही नहीं है। तो बोलने मतलब कि परमात्मा सारे दा सोचू है भाई, चलो चोरा चोरी भी करनी है ना, उसकी रुड़ना पौना भी तो डॉक्टर काम भी चलना, ये परमात्मा दा सोचू बस बना दो ना है। जिस देश में ऐसा है ना, हाँ युग बनाए युग, हाँ जी चार युग ये बंदे के मुख में है, हाँ जी मुख से ब्राह्मण, भुजों से क्षत्रिय, क्षत्रिय टांगों से शूद्र, पांव से वैश्य, चार वर्ण। जब सती युग था 1000 साल एक इंसान की उम्र होती थी, लेकिन वो झूठ नहीं बोलते, सच। जब युग बदली होए द्वापर के बजाय त्रेता आया तो झूठ चल पड़ा, द्वापर में भी झूठ, त्रेता में भी झूठ। अभी कल युग है वैश, हाँ जी, इसमें तो सब ही झूठ, पाप झूठ, क्योंकि वैश है तो इसने तो ऐसा करना ही। पर जो बच जाएगा वो बीज रह गया, बी रह गया, बाकी साफ हो जाए। नवा अवतार नवा चलेगा, ऐसा ऐसा है। पर चलो हमने क्या लेना है, प्रचार करके शराबें कबाबें पीनी हम बस, हम नहीं हैं, ये दम है, निकल गया हुआ चुट्टी, मिट्टी पड़ी रहेगी। कोई धन दौलत, कोई जमीन जायदाद, कुछ साथ नहीं चलेगी। प्यारे ते प्यारे बच्चे पालो, कोई मारे साथ नहीं चलेगी। ऋण बंधु संसार है, लेन देन के चक्कर में जकड़े हुए। जिन्ना बोले ना तुम्हें भाई, जितने कुसी दा पालन पोषण करा या कुछ करा, एक टाइम एड़ आई जाता भाई कहाँ पे कोई नहीं चलता करने है ना, या कुसी दा कितना साथ दिया, ता किन्ना अपना एड़ा सोचने चलना चाहिए कि हाँ पे अपना आने वाला टाइम आप ही संभाल लेना है, पे कुसी दी जरूरत नहीं पाओ है, तो क्या इस जो क्या बोली सकते इतनी है ऐसा ना। हाँ जी, जब देवी रूप को साजा गया वैसे इसका रूप ही रूप है देवी, जात पात कोई नहीं है, सर्वंगण है। हिंदू के घर में बैठ गई तो हिंदनी है, मुसलमान के घर में बैठ गई तो मुसलमाननी है। तो बच्चे तो इसने देने, रियावली तब होनी, अगला वंश तब चलेगा ना, बच्चे हो गए। लेकिन जो पालन पुनोष है वो पति के अधीन छोड़ती है, पति कमाएगा तो खाएगी, कण बच्चियों को भी खिलाएगी। पाप चला तो फिर आमदन तो काफी हो गई, जैसे इस युग में पाप फैला हुआ, थैलियों का दूध, रसायनिक खादें लाओ, फसल बहुत होगी, घास में खाद डालो, बहुत घास चढ़ेगा, लेकिन है गलत, खोट छिदाई जहर, तो खात्म होना है, तब जहर मिला है।
इस वास्ते युग बदली होगा, खत्म हो जाएगी दुनिया, खुद भी खत्म के राह पर चले हुए, स्याही का राह है ही नहीं। जल में दवाई मिला दिया, जल पिता सारे संसार का पिता है, धरती माता है, इसके ऊपर बहुत पद्रव हो रहे तो सहन नहीं कर सकेगी, तो क्या होगा, थर थर आ जाएगी, उसको कहते ये हिलन हो गया, ये पंचाल हो गया, तो दुनिया खत्म हो गई, जीव जंतु खत्म हो जाएगी, नौ ही दुनिया जागेगी। लेकिन कई धर्म भी कर रहे तो रुके हुए, रुकना पड़ता है। धर्म जो है शांति, शांति पजा देता है। इसी तरीके से तीन युग है, पुरी है, पताल, मात लोग, देव लोग। इसी तरीके से सूर्य ने मौसम बनाए, गर्मी है कितनी तमस है, बरसात आएगी कितना जल बरसेगा, स्याल आएगा कितनी ठंड पड़ेगी, यहाँ ही है। तो तीन मौसम है, तीन पूरी है, ये ख्याल रखने नहीं है, पर आजकल नहीं, आज सब हम करते हैं। अभी तो कानों में सुनाई नहीं देता, सुनाई देता है तो रेडियो लाया, हाँ जी। एक वैज्ञानिक ने रेडियो में बोलिया सर्दी को गर्मी कर सकते हैं, गर्मी में सर्दी कर सकते हैं, तो ऐसा बड़ा भारा पाप है, छोटा नहीं है, क्या पाप है, हम कुछ नहीं, मैं वो करता है, वो होता है, ये कर रहे ये जोरावरी, जोरावरी गलत है, वो ठीक नहीं है, ठीक है यह। ओम नमो शांति, सर्वे शांति, व्यापत शांति, ये सबसे बड़ी चीज है। फिर इस वक्त पर कैसे शांति हो, पहले पड़ियां दुआ करते थे, ताजा पानी निकलता, अभी दरियाओं का पानी बांध लिया, खड्डों का बांध लिया, पियो पियो तो ऐसा ही दिमाग होना भाई, ऐसा ही होगा, ऐसी बात ही। तो ये पानी बंधना गलत है भाई, देखो ये जल का जीव है ना, हाँ जी, जल में तो ठीक है, लेकिन बंधना भी गलत है। कौन है जो संसार पिता को बंध के रख सकता है, हाँ जी, लेकिन इस घूमते ने बांधा है, जहाँ नहीं जल जाता वहाँ भी पहुँचा दिया, उच्चे से उच्चे टिब्बिया में वाटर टैंक बना दिए, तो कितना बैर विरोध पड़ा, तो ऐसा भैया नहीं तो तेना खड़ा दे पानी चकदे कने ओ उपर कितने फुट उपर पजाई है ना, भी उपर घर होंगे कुछ दे है ना, तो तू ये हजे जो गलत बोल दे है ही गलत, हाँ जी, एक जल पिता, हाँ जी, संसार पिता, हाँ जी, सारे संसार का पिता है, हाँ जी, हर जीव जंतु जड़ जूनी सबका मालिक है, तो इसको उसकी इतनी शख्सियत को तोड़ना
पर कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। नहीं तो तीन वाल किन्ना पूजना पानी, चलो पहल के जमाने ता क्या ही रीसा करनी है ना, पर आज दे टाइम च कोई खड़ा वाल जाए नाराजी नहीं आ, बॉडी वाल जाए नाराजी नहीं आ, है ना। तो गलत है ना ये। हाँ जी भगवान पानी देता था। हाँ जी। अभी वहाँ टैंक बना दिए। हाँ। तो जल की पिता की हर कदर को कटा दिया जी। तो ये तो मात पिता को बहुत ही प्रदूषित कर दिया। तो पंचाल होना ही है, खत्म होना ही है। ताई नहीं लवांदे है थुए नलका इत्थी ना। कितने किलोमीटर दूर ते लियांदे है पानी थुए? कितने दूर ते लियांदे है पानी थुए? नीचे है हमारी धरती में पानी। हाँ। ताजा पानी सपड़ा से निकल रहा ठंडा। हाँ जी। फ्रिज जैसा। हाँ जी। तो वहां से एक मटका ले आए। हाँ जी। पीते रहे। हाँ जी। पशुओं को भी पिलाते थे वहाँ। हाँ जी। अभी नवा युग चल गया है। ये बिजली हानिकारक है। हाँ जी। इसे लाइट आंखों की चली जाती है। पर इस युग में बहुत प्रधान है। हाँ हाँ। बिजली से बिना को काम ही नहीं है। इस जो भी साल के भरी होया लगवाओ दे लाइट आओ ना। बिजली लगवाओ जो भी साल ही होया लेना, पहले तो ये भी नहीं लगवाओ रखी थोए। कोई नहीं बात, ये भी थोए और सी थों दे कुनी गलाया ता बोलन कि कुत्ती ने लवाई थी कने थोए मना कर दे है। मुंडा लवाई हम लवाई तो लवा लो भाई। नहीं तो थोए तो और रखो देखा लैंप रखो ना हल्ले भी और रखो ही मतलब लाइट रखो ऊपर थोए कने एड़ी चीजा बरत दे हल्ले भी ना पुरानी है। चलो अपने अपना ख्याल है। हाँ जी। हाँ जी। हर जीव भगवान का है, हर जीव का अपना अपना ख्याल है। अपनी अपनी कमाई है। इस वक्त मेरे तो ख्याल में 90% बीमार है दुनिया। देश की औसत 90% से भी ज्यादा है। हाँ जी। तो बीमार है, अवकाश के राह पर नहीं पताल के राह पर तैयार है। तो कमाई की है तो तैयार है। कटी हुए ना उड़े सियाले ने मकान कटी हुए। हाँ जी। हाँ जी। तो दार कोई तो पा दे ਤਾਂ ਜੇ ਇਹੜੇ ਬਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਛੱਤ ਲੈਂਟਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਭਈ ਤੇ ਇਹੜਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੋਠੇ ਕੋਠੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਤਰਖਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਹਿ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਦੇਖਾ ਭਈ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਦਲ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੀਸਾ ਬਣੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਾ ਹੈ ਭਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਭਈ ਹੈ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐ ਤਾਂ ਸਭ ਝੂਠ ਹੀ ਆ ਇਹ ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲੀ ਆ ਦੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋ 10-7-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੋਤਾ ਇਹ ਖਵਾਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਕਾ ਹੋ ਚਮੜੇ ਕਾ ਹੋ ਲੋਹੇ ਕਾ ਹੋ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾ ਬੱਚਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਠੇ ਵੇਚ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। अगर 1,00,000 रुपया होगा तो इंग्लैंड में जा सकते हैं। रोटी खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं, कोठे बेच के नहीं।
क्या ख्याल है? इतने गल सच्ची, पैसे करने सब कुछ आज दे टाइम च, पैसे करने सब कुछ आज दे टाइम च, कुतियो जाना या कुछ लेना या कुछ पाना। गवर्नमेंट का बच्चा है ना, पैसा गवर्नमेंट का बच्चा है, हमारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट का बच्चा है, उसके लिखा हुआ होता है नोटों के ऊपर, हम धार को इतना अदा करूँगा। अभी तो पढ़ोंदा भी नहीं मारे थे, पर जब पढ़ते थे सब कुछ समझते, हमारी शक्ल बूढ़े आदमी है तो क्या करना भाई। नहीं नहीं थोए इस यहाँ मतलब कुती ये थोए यहाँ उम्र आज इतने इस टाइम में इतनी उम्र लाई गए ला दे लाई गए ये बड़ी बड़ी गल ही ये रब दी दया ने शुक्र गुजार है ना अह तो यही मनने नहीं चला क्योंकि अज के टाइम तो दिखे आप सुना दे भी हैं थोड़े बहुत ना थोड़े बोला दिखा अजकल हर कोई कुछ ना कुछ बीमारिया का शिकार आ ये टाइम जड़ा आई गया 90% हाँ जी बीमार है। हाँ जी हाँ जी हर कोई मतलब कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम ही अज के टाइम तो ये तो फिर भी रब की दया ने शुक्र गुजार ही मनाई सकते भाई। हाँ जी दिखा थोए पर यह है कि थोए बिल्कुल प्रकृति के नेड़े रेंदे संसार मतलब अच्छे पर्यावरण च रेंदे मेरे हिसाब ने तो एक तो यह भी बड़ी वड्डी गल ही है ना। हमने फसल बोई ना हाँ जी आज दिन तक हाँ जी जरायती खाद नहीं लगाई हाँ जी कोई खाद नहीं लगाई हाँ जी नाज काफी किया तैयार बेचिया काफी खाया बंडिया सब दूध पिए हाँ जी गवां के भैंसा के अभी भी खुंड सारे इधर खुंड ही खुंड कड्डे पुराना नहीं और बुढ़े हो गए 100 साल ते उबर हो गई उम्र हाँ जी हाँ जी 3 साल उम्र हो जाए हाँ जी हाँ जी तो सब भगवान की माया है जो राम भगवान करता है वो बहुत ही अच्छा है मालिक की कृपा लेकिन इस वक्त तो कुछ भी नहीं सब खाली हो चुका देश हर जीव का साथ देता है। हाँ जी अभी कपड़ा बेशक फटिया हुआ है पुराना हुआ है पर साफ हुआ है साफ होना चाहिए। हाँ जी साफ होना चाहिए ये तो गलत ये कपड़ा है ये भी कहता जब साफ करते मेरी इज्जत किया है। हाँ जी अगर नवा है मैला है तो बहुत बुरी दशा। कई बार होंगे ना कि कई पुराने कपड़े होंगे जो होंगे तेना पर थोड़े बहुत दाग धब्बे लगी हुए होंगे है जाते भी नहीं है जाते भी नहीं है तो फिर भी हाँ मन करता भी पाने भी कई बार लगाव होंगे तो इन्होंने चीज़ों ने लगवा भाई ये चीज अपनी तरफ से साफ कर साफ होने चाहिए बिल्कुल धोत वस्त्र है ना दाग नहीं जाता तो भगवान जाने भाई हमने तो गुआने की कोशिश की हाँ जी दाग को मटाने की कोशिश की हाँ जी हाँ जी दो आदमी झगड़ पड़ते हैं तो तीसरा आता है ना झगड़ो मत भाई हाँ जी उनको मिलाने की कोशिश करते हाँ जी एक आता है वो पटाने की कोशिश करता है तुम ऐसा करो हम गवाही देगा उकड़ा देने ज्यादा लड़ाई मराई देने तब वो गलत है वो नहीं होना चाहिए मिलाने की करो शांत करो आग को बुझाने की कोशिश करो ना के फूंक दो वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल
ਇਹ ਕੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਗਈ ਤਮਾਕੂ ਅੱਛਾ ਤਮਾਕੂ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਥਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਕਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੋ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੀ 103 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੋਣੇ ਕੋ ਹੈ ਤੋ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਵੀ ਉਗਾਈ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੇਖੀਏ 103 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਔਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਪਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੰਗਲੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲਰਟ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਐਸਾ ਕਿ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਰ ਲੋਗੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਔਰ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਯਾਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਰੈਡ ਕਲਰ ਕਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਸਕੋ ਦਬਾ ਦਿਓ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋ ਇਸਸੇ ਐਸਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਬਾਕੀ ਆਪਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਕੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਆਪ ਕਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਤੋ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਥਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਔਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਬ ਮੈਂ ਆਇਆ ਥਾ ਤੋ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਕਾ ਮਹੀਨਾ ਥਾ ਔਰ ਅਬ ਆਇਆ ਹੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਈ ਮੰਥ ਮੈਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਖਾ ਐਸਾ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ ਉਨਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰੀ ਔਰ ਆਪਕੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਕਾ ਇਹ ਫਿਰ ਸੇ ਐਸੇ ਥਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਗੋ ਨੇ ਬੋਲਾ ਥਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਨਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੇ ਤੋ ਬਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੋਟਿਵ ਥਾ ਤੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਔਰ ਤੋ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਬਾਕੀ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਤਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸਾ ਲਗਾ ਕੈਸੇ ਲਗ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤਬ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਰਾਮ ਰਾਮ